बिहार समेत पूरे भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है। पुलिस महानिरीक्षक ने सारे थानों को आदेश दिया है कि वह थानों को बंद कर सील कर दे और थाना के बाहर बैठ लोगों से बातचीत करे। इस आदेश को मानते हुए पटना के राजीव नगर थाने में बैरिकेडिंग की गई है। कैसी है पुलिस विभाग की तैयारी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के राजीव नगर थाना में। आपको दिखा दें कि पीछे पहले आप देख लें किस तरीके से जो थाना है उसको सील कर दिया गया है। हालांकि ये कोरोना के कारण नहीं, यहाँ पे कोई संक्रमित नहीं पाए गए हैं, लेकिन जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने साफ उनका निर्देश है कि जहाँ पे छोटे थाने बने हुए हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और वहाँ पे जो रहने का और बैठने का व्यवस्था कम है, उन्हें बाहर बैठना है और लोगों की बातें सुननी है। हालांकि हमारी थाने अध्यक्ष से भी इस पे बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पे कोई कोविड और या कोई संक्रमित लोग नहीं पाए गए हैं, लेकिन जो थाना है उसको बाहर से चलाना है और अंदर से नहीं चलाना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शिकायत पेटी भी यहाँ बजाबते रखी गई है कि अगर लोग जिनको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो यहाँ पे आकर रख सकते हैं अपने पेपर को, जहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ पे उनकी बात सुनेंगे। हालांकि जो कोरोना का संक्रमण है वो इतना ज़्यादा भयावह हो गया है कि कहीं ना कहीं इसे करना भी उचित था। बीते दिन की बात कहें तो करीब कोरोना से 6,200 नए संक्रमित पाए गए हैं, वहीं राजधानी पटना में भी 1,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जो मौत के आंकड़े हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से जो कोरोना है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को डरा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, नेशन न्यूज़, पटना।